हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, रवा का हलवा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। देखते हैं इसमें क्या लगता है, कैसे बनता है। ये मैंने दूध लिया है 1 कप, जितना ज़रूरत होगा उतना यूज़ करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून नारियल लिया है, खोपरा उसे काट लिया है टुकड़ों में, और 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश लिया है, 1 कप मैंने रवा लिया है, और 8 से 10 टेबल स्पून काजू बादाम और चारोली है चिरौंजी, और घी लेंगे 3 टेबल स्पून, और इलायची पाउडर आधा टेबल स्पून, आधा कप शक्कर लिया मैंने। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी। और देखते कैसे बनता है। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे पैन रख दिया है, और पैन हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम घी डाल लेंगे। ये पैन में मैंने घी डाल लिया है। अब इसमें हम रवा डालेंगे। अभी हम रवा को अच्छे से भून लेंगे। गैस को मैंने एकदम कम रखा है। आप अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। मैंने 1 कप लिया है और इसको अच्छे से भूनेंगे घी में। इसको हल्का ब्राउन होने तक एकदम कम आँच पर अच्छे से भुनेंगे। अभी इसमें मैं सूखा जो नारियल था वो डाल दूँगी, उसे भी उसके साथ में हम भून लेंगे थोड़ा। और ये हल्का गुलाबी हो गया है। ये अच्छे से हमारा रवा भुन गया है और गुलाबी हो गया है, इसमें कलर आ गया। देखिए अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, हल्का सा थोड़ा गार्निश के लिए रख देती हूँ। और इसके साथ में उसे भी भून लेंगे अच्छे से। भूनिए आप, सबका अलग अलग तरीका होता है हलवा बनाने का। आप ऐसे भी बना के देखिए, बहुत अच्छा आता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अभी शक्कर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इलायची पाउडर इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम दूध डालेंगे। पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध डाला है, 1 कप दूध डाल रही हूँ मैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस को मीडियम कर देंगे और शक्कर के घुलने तक हम इसे पकाएंगे। अच्छे से पक जाना चाहिए और सारा दूध सूख जाना चाहिए इसमें से, तब तक हम पका लेंगे। ये अच्छे से पक गया और गाढ़ा होने लगा है, इसको हम थोड़ा और पका लेंगे। हम एकदम से दूध इसमें से सूख जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। इसको चलाते हुए पकाइए कि नीचे से लगने ना पाए, जलने ना पाए ये। अभी इसमें हम किशमिश डाल देंगे और ये सूख गया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हलवा हमारा अच्छे से पक गया है और देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है घी। ये अच्छे से पक गया है, दूध भी हमारा सारा सूख गया है और देखिए हलवा इकट्ठा होने लग गया है एक जगह पे। तभी गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको डिश में निकाल लेती हूँ मैं।
ये सर्विंग प्लेट ले लिया है मैंने, और उसमें हम निकाल लेते हैं हलवा को। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है हलवे को, अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। ये हमारा रवा हलवा, सूजी हलवा बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये हलवा कितना अच्छा बना है देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और एक बार बना के देखिए। और फिर से मिलते हैं नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।